लजीना खान कह रही हैं, ऑल अस्सलाम वालेकुम, ऑल वालेकुम अस्सलाम ऑल, मेरे शव्वाल आज पूरे हुए, मैंने फ़र्स्ट टाइम शव्वाल के रोज़े रखे, बट मुझे ये इल्म नहीं था कि ईद भी मनाई जाती है इसमें। खैर, प्लीज़ ऑल एनीवन गिव मी आंसर, क्या मेरी शव्वाल बिना ईद के हो जाएगी? अब ऑल एनीवन आपको आंसर कैसे दे सकते हैं? आई मीन शव्वाल की ईद नहीं मनाई मैंने, बिकॉज मुझे पता नहीं था शव्वाल, रमज़ान शव्वाल, शव्वाल ईद तो हो गई ना। ईद सिर्फ दो ही हैं, एक ईद उल फ़ित्र और ईद उल अधा, उसके अलावा कोई ईद नहीं है। अभी शव्वाल के छः रोज़े रखने के बाद भी ईद बनाई जाती है, अल्लाह जाने ये कह, वो खीर वीर बनाई जाती है और न जाने क्या पकवान बनाए जाते हैं, और फिर वो जो है साहब ईद लोग रस्मन मनाते हैं। इस ईद की कोई शरई हैसियत नहीं है, ये बिदात है। तो शव्वाल की जो रोज़े रखने के बाद बिना ईद के रोज़े हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे? रमज़ान के बाद जब रमज़ान का महीना पूरा हो जाता है तो जो ईद होती है वही ईद होती है, उसके बाद कोई शव्वाल की ईद नहीं होती कि शव्वाल के छः रोज़े रखने के बाद ईद मनाई जाए, ऐसा नहीं है। और रोज़े हो जाते हैं, बस छः रोज़े रख लिए आपने, बहुत अब ईद मनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ईद तो हो गई, रमज़ान के बाद ईद हो गई बस, अब उसके अलावा कोई दूसरी ईद नहीं है कि शव्वाल के छः रोज़ों की ईद हो। ठीक है,